दोस्तों, अगर आपको भी रिंकू सिंह और नीतीश राणा की विस्फोटक बल्लेबाजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद से भले ही मैच हार गई, लेकिन करोड़ों भारतीय फैंस का दिल रिंकू सिंह और नीतीश राणा ने अपने बल्लेबाजी से जीत लिया। रिंकू सिंह और नीतीश राणा की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों 18 ओवर में ही 229 रनों के लक्ष्य को पार कर जाएंगे। दिखाएंगे रिंकू सिंह और नीतीश राणा की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो और साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच की पूरी हाईलाइट। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और नीतीश राणा में कौन है घातक बल्लेबाज, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, टाटा आईपीएल 2023 का 19वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुंबई के ईडन गार्डन मैदान में खेला गया, जहां पर टॉस जीतकर कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले को सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से हैदराबाद के बल्लेबाजों ने गलत साबित करके इस ईडन गार्डन मैदान में ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की हालत खराब हो गई। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ओपन करने आए हैरी ब्रुक और मैंक रॉकवाल, तो वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे अनुभवी गेंदबाज उमेश यादव ने की। सनराइजर्स हैदराबाद के दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उमेश यादव के पहले ही ओवर में कुल 14 रन कोट डाले, तो वहीं पारी का दूसरा ओवर लेकर आए कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से लॉकी फर्गुसन के दूसरे ओवर में कुल 13 रन और उमेश यादव के तीसरे ओवर में हैरी ब्रुक ने दो लगातार छक्के लगाकर कुल 18 रन लेकर तीन ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने 43 रन बनाकर हैदराबाद को ठोस शुरुआत दिलाई। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पारी का पांचवा ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल ने अपने इस ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को दो बड़ी सफलता दिलाई। पहली सफलता मयंक अग्रवाल के रूप में, तो वहीं दूसरी सफलता राहुल त्रिपाठी के रूप में। ठोस शुरुआत होने के बाद भी जहां एक तरफ से सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटों का पतन हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ से ओपन करने आए हैरी ब्रुक तेजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। राहुल त्रिपाठी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए एडम मार्करम और हैरी ब्रुक ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और देखते ही देखते हैदराबाद के स्कोर को महज 12 ओवरों में 125 के पार पहुंचा दिया। इसी बीच एडम मार्करम ने महज 26 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्कों की मदद से अपना पहला अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ से हैरी ब्रुक ने भी तेजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों पर अपना 50 पूरा किया। कोलकाता की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की गेंद को 6 रन मारने के चक्कर में एडम मार्करम आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। एडम मार्करम ने आउट होने के पहले 26 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली थी। मार्करम के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 17 गेंदों पर 33 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आंद्रे रसेल का शिकार हुए। जहां एक तरफ लगातार हैदराबाद के विकेट गिर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हैरी ब्रुक घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। अभिषेक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए हेनरी क्लासेन ने 6 गेंदों पर 16 रनों की घातक पारी खेली, तो वहीं दूसरी तरफ पारी के 20वें ओवर में हैरी ब्रुक ने महज 55 गेंदों पर टाटा आईपीएल 2023 का पहला शानदार शतक लगाया। हैरी ब्रुक के शानदार शतकीय पारी और एडम मार्करम के अर्धशतकीय पारी के बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पे 229 रनों के पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। 229 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरे कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर बल्लेबाज रहमतुल्ला गुरबाज और यंग जगदीशन। कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी ना रही। कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर बल्लेबाज रहमतुल्ला गुरबाज बिना खाता खोले ही पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार का शिकार हो गए। गुरबाज के स्थान पर बल्लेबाजी करने आए इनफेक्ट प्लेयर के तौर पर वेंकटेश अय्यर कुछ खास योगदान ना दे पाए अपनी टीम को और महज 10 रन बनाकर एम जॉनसन की गेंद पर एडम मार्करम के हाथों कैच आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए सुनील नारायण भी बिना खाता खोले इसी ओवर में आउट हो गए। 20 रनों के स्कोर पर 3 विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर आए कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा और दूसरी तरफ ओपन करने आए थे एन जगदीशन। दोनों बल्लेबाजों ने 3 विकेट गिर जाने के बाद भी घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दिया। नीतीश राणा ने सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक के एक ओवर में 28 रन लेकर मोमेंटम कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ शिफ्ट कर दिया। 4 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स के 20 रनों के निजी स्कोर पर 3 विकेटों का पतन
हो चुका था। तो वहीं अगले चार ओवर में यंग जगदीशन और नीतीश राणा ने 60 रन ठोककर 8 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को 80 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी बीच सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पारी का 9 ओवर लेकर आए मयंक मारकंडे। मयंक मारकंडे की गेंद पर यंग जगदीशन कैच आउट हो गए। यंग जगदीशन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे खतरनाक बल्लेबाज आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल से बड़ी उम्मीदें थी कप्तान नीतीश राणा को, लेकिन रसेल कुछ खास नहीं कर पाए और महज 3 रन बनाकर मयंक मारकंडे का शिकार हुए। रसेल के बाद मैदान पर आए रिंकू सिंह। रिंकू सिंह के मैदान पे आने के समय कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर था 96 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रिंकू सिंह के मैदान पर आने के बाद नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने तेजी के साथ रन बनाना शुरू किया। इसी बीच नीतीश राणा ने 20 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं रिंकू सिंह कहां पीछे रहने वाले हैं। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पिछले मैच में 5 छक्कों वाला फॉर्म वो अपने साथ लेकर आए हैं। रिंकू सिंह और नीतीश राणा की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स बड़े आराम से जीत जाएगी। लेकिन इसी बीच सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पारी का 17वां ओवर लेकर आए टी नटराजन। नटराजन की गेंद को नीतीश राणा बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट का बाहरी किनारे लेते हुए सीधे जाकर वाशिंगटन सुंदर के हाथों में समा गई। इस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स को कप्तान नीतीश राणा के रूप में बड़ा झटका लगा। आउट होने के पहले राणा ने 41 गेंदों पर 75 रनों की पारी खेली। राणा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए शार्दुल ठाकुर। तो वहीं मैच की जिम्मेदारी थी अब रिंकू सिंह के ऊपर। जीत के लिए चाहिए थे 21 गेंदों पर 75 रन। रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखा, लेकिन वो अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत ना दिला सके। कोलकाता नाइट राइडर्स इस मैच को 25 रनों से हार गई। रिंकू सिंह ने इस मैच में 31 गेंदों पर 58 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। दोस्तों आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह के लगातार टाटा आईपीएल 2023 में शानदार प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आगामी वर्ल्ड कप 2023 में रिंकू सिंह को भारतीय टीम में जगह देनी चाहिए या नहीं? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।